ये जो फील है एक अलग सा फील है, कितना भी टेंशन क्यों ना रहे, कितना भी फ्रस्ट्रेशन क्यों ना रहे, एक झटके में पूरा खत्म हो जाता है, पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसका ऊपर चला जाता है। उसी के साथ इन लोगों का जो आवाज है वो दोनों कानों में गूंजता रहता है, यहाँ बैठ के आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं, पूरा के पूरा आपका माइंड फ्रेज हो जाता है। 10th September 2020 आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि महकुमा शासक महाशय जी SDO सर जी आज हम लोगों का बार्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और तो हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और उसी के साथ कहना चाहूंगा, जब मैं अकेले इस बार्ड ब्रीडिंग फार्म के अंदर हाथ में कुछ अच्छा खाना वो लेके ऐसे बैठ जाता हूँ, एवियरी के सारे बार्ड्स यहाँ इकट्ठा होकर बिल्कुल करीब पास आ जाते हैं और हाथों से मतलब खाना खाते हैं। और जो लेके बैठता हूँ सनफ्लावर सीड्स, क्योंकि ये पैरेट टाइप का बार्ड्स का सबसे पसंदीदा खाना है। और ये जो फीलिंग्स है एक बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा अमेजिंग फीलिंग है, वो तो ऐसे बोल के बाया करना मुश्किल है, जब आप अपना हाथों में ऐसे कुछ खाना लेके बैठे हैं और इतना सारा कलरफुल एक्जोटिक बर्ड्स, सारे बर्ड्स आपका हाथों से वो खाना खा रहे, तब मतलब एक अलग सा फील होता है, अलग सा खुशी होता है। जितना सारा टेंशन फ्रस्ट्रेशन मतलब कुछ भी रहे, पूरा के पूरा हट जाता है, दिल से एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। मैडम স্যার মাথাটা একটু নিচে করে और तो रिस्पेक्टेड सर जी अभी मौजूद है हम लोगों का बार्ड ब्रीडिंग फार्म पे, और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर जी से आप यहाँ आए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और दो चार बातों में प्लीज आप शेयर कीजिए सर। इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई केम टू दिस बर्ड फार्म ऑफ दीपंकर, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड हियर, आई कैन सी इट्स अ फाइन एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच सर जी। এটা রয়েছে সান কর্নিয়ার, এগুলো কি হচ্ছে ব্লু কর্নিয়ার, বল ট্রিটমেন্টের জন্য পাশে দিয়ে যান হ্যাবিটেট কোয়ালিটি। Michael, sorry. Wow. ওই পারেটা আছে ককটেলের বলে খুব সুন্দর দেখতে, হ্যাঁ হ্যাঁ লাভ বার তো শুনেছি অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকার কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া যায়। और तो मैडम जी अभी मंका को थोड़ा सा अपना हाथों में सनफ्लावर सीड्स लेके फीडिंग करा रहे हैं। मैडम जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे, मतलब अभी फील कैसे? बहुत अच्छा स्वीट है, ये फर्स्ट टाइम है शायद। ये फर्स्ट टाइम। और मंका तो बहुत फ्रेंडली है, जब दूर दूर से कोई भी लोग आता है तो उनको उनके साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं, उनको साथ देते हैं, जैसे चाहते हैं वो एकॉम्पनी देता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मंका चलो मंका, और अभी बारी आया सर जी का कंधों पे मंका बैठेगा। हाँ हाँ सर, इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है सर जी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ निश्चय निश्चय, लोग लगी
और तो अभी बहन जी को मैं पूछना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है बताइए इसको कांधों से लेके मंगल से? बहुत अच्छा। जो सोच के आई थी वहाँ से कि बार्ड फार्म विजिट करेंगे और यहाँ आने के बाद आपका मतलब फील क्या है बताइए? एक्चुअली मुझे एनिमल्स बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए, और मुझे तो ये बहुत ही देखना বন্ধ হবে না চট করে। আর তো ফাইনালি সবচেয়ে স্পেশাল গেস্টে আমি মে পুছুঙ্গা, বলো তোমার কেমন লাগলো এটা সব পাখি পুরো ফার্ম ঘুরে তোমার কেমন লাগলো? তুমি খুব হ্যাপি তো? ওয়াও বহুত খুশ হয়ে গিয়ে। আর এখানে কি আবার আসতে ইচ্ছে করছে? আবার আসতে মন লাগে। এবারে যখনই সময় পাবে তখনই চলে আসতে হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। না এদের শেখাতে হয়, আমার তো এভিয়ারির মধ্যে ছাড়া আছে বলে অনেক পাখির সাথে অতটা ভালো এ হয়নি। এদেরকে একা একা বাড়িতে রাখলে বিভিন্ন কথা বললে ওরা শেখে। Sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed. American content. হ্যাঁ প্যারোট, ওটা ইগলেকটাস বলে, ইগলেকটাস ইগলেকটাস এটা বাইক হ্যাঁ সব এক্সট একটু ওটা এস ডিপি সাহেব ওই একটু পুলিশে আর ইভেন ডাকাতে দরকার আছে প্রচুর লোক হবে মানুষ দেখি কতটা দিতে পারে কতটুকু পারবে সব পাখি স্যার আনতে পারিনি মানে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি ইন্টেলিজেন্ট পাখি ঠিক আছে। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली को ऐसे एक जगह में पहुंचा दिया कि WBCS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर जी आज आए हैं पैरट दीपंकर एग्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स हिम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ व्यू ऑफ दिस वंडरफुल थिंग। आई नेवर कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ एन, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी टाइम बिताया है यहाँ पर, खूबसूरत जगह है, मन शांत हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम आई हैव हर्ड ऑफ दिस फ्यूचर प्लानिंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट, आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम मेरा जो सोच है बहुत बड़ा सा एक ओवल टाइप का एवियरी बनेगा, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ते हुए आपके पास आके आपका बोर्ड के सामने आके बर्ड्स बैठेगा, आपका हाथों से खाना लेगा और फिर से उड़ के चला जाएगा। पानी, मछली, बर्ड्स, नेचर, पेड़ पौधा और मिट्टी, कोर टाज होता है एकदम, दिल से आप लोग फील कर पाइएगा। ये जो फील है बीम करते हुए मुझे, आई एम फीलिंग ग्रेट, रियली हैविंग गूज़बम्प्स, वंडरफुल वंडरफुल कॉन्सेप्ट, आई होप इट विल बी सक्सेसफुल, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू स्प्रेड द मैसेज एज वेल। और ये हम लोगों का ट्रस्ट है, विश्वास है आप सभी का ऊपर कि आप लोग जरूर हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और एक्चुअली पानी को थोड़ा सा चेक किया कि कितना खरा है, उतना खरा भी नहीं है क्योंकि यहाँ प्लांटेशन के लिए तो हम लोगों को पानी चाहिए और ये जो पानी है एकदम परफेक्ट। कम ऑन, गुड। ओहो बाबा, बहुत खूबसूरत भी है। हाँ हाँ, मंका आ गया। मैं मंका खुद का नाम बोलते हो, मेरा नाम भी लिया करो कभी कभी, दीपंकर। मंका बहुत अच्छा है मंका, ऐसा कुछ कह रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। अम्ब्रेला कोकाटू का 3.5 महीने का एक बेबी, हमारे गंगा संगम के देश में वो जब आई है, उसका नाम गंगा होने से कैसे रहे। सुंदरबन जिला पुलिस कागदी पीएस का आईसी साहब सुदीप सिंह सर जी आए हैं। दीपंकर मेरा छोटा भाई, बड़ा प्यारा भाई है, बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट बना कर रखा है वो, और बहुत इसके पीछे वो काम भी बहुत करता है, अपना जी जान इसी में लगा देता है, और बहुत अच्छा लगा। और आगे जाके दीपंकर को और सक्सेस मिले, जिंदगी में और खुशहाली से रहे, ये मैं उसको विश करता हूँ। आशीर्वाद कीजिएगा सर जी। ऐसा कुछ कह रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, टॉकिंग करता है, उसका नाम बोलता है और थोड़ा थोड़ा 2-4 बातें करता है, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल छोटा है इसका, अभी 1.5 साल हो रहा है। वन एंड हाफ ईयर। तो भूख लगा क्या? हाँ, मंका को भूख, तो भाई उसको खिला दो भाई उसको। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो आ जाओ।
আমার একটুকুরি অক্সিজেন যেটুকু শ্বাস আমি ওই ককটেল বানাবার পাখিগুলো থেকে পাই, তো ওরাই আমার বেঁচে থাকার রসদ। দীপঙ্কর বা তার মতো যারা সবাই আছে যারা বার্ড লাভার্স, তাদেরকে সবার আমার শুভেচ্ছা আশীর্বাদ রইল। আমরা চাইবো গোটা বিশ্ব এরকম এরকম কালারফুল পাখি যেন ভরিয়ে দিতে পারি। আর যে সারা পেট লাভার হতা না স্যার জি, থোড়া পাগল টাইপ কা হতা হ্যায় না, চলো একচুয়ালি উই আর লাইক ম্যাড, ইউ আর অ্যাবসলুট রাইট, উই আর লাইক ম্যাড। লোকে ভাবে আমরা পাগল, তা নয়। না আমাদের মতো পাগল যদি গোটা পৃথিবী থাকতো না, তাহলে পৃথিবী আরো রঙিন হতো, আরো সুন্দর হতো। কি মা, তাই তো? I love it. I love animals. You love Dipankar? Oh, very much. He is my son. Hardcore fan ban chuka hu Dipankar family ka. Lakho duniya mein unke fans bante rahe. Actually Dipankar hai itna acha ki koi bhi aadmi kitne bhi dur se Dipankar ke paas unke bachche dekh ke aa sakte hai. पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से आई सेल्फ मिस्टर संजीव गनोली प्रेसिडेंट शिवसेना पंजाब। हमारा नाम है महान कश्मीर गिरी। जो आपकी चर्चा खाली कलकत्ता दिल्ली नहीं पंजाब तक पहुंची है। The heaven awards के लिए विमल पाठक वाराणसी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूं। खूबसूरत सा एक मिठाई का पैक है। दादा आए हैं बांग्लादेश से। I don't have any language to express. Actually, you are the heroes. Thank you. We are just standing by. এই টাকাটা দেওয়ার পর আমি কলকাতা থেকে 1,500 টাকা ওষুধ নিয়ে এসেছি। আমি শুধু আপনার দয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক কিছু আছে, ভালো করে ধরে নেন, পড়ে না যায়। এসে করকে কাই এলে কথা না একটা কথা বলি। প্যারোট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এই সামান্য সহযোগিতাটুকু আপনি গ্রহণ করবেন। আপনি এটা গ্রহণ করুন দাদা। और एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा करके देखिए, एक अलग सा फील होता है। आप निग्रह होंगे, अब आप निग्रह होंगे। बाबा को बाबा का आशीर्वाद ना। मासी माँ कान्ना कुर्बिन ना। और ये बेटा है, इनका ये हालत है और मासी माँ का इस हालत है। और रास्ते में जाते जाते সামান্য সহযোগিতাটুকু আপনি গ্রহণ করুন দিদি। সেরিলাক্স দিয়ে গেলাম, তার সঙ্গে বিস্কুট দিয়ে গেলাম। সবাই খেও, সবাই খেয়ে যাবে, সবাই খেয়ে যাবে। আসছি, সবাই ভালো থেকো তোমরা। ইউ অল আর ওয়েলকাম। হ্যাঁ, এই সামান্য কিছু সহযোগিতা আমরা করলাম দিদি ওই ছোট্ট বোনটির জন্য। और अभी तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। এটা আপনি ধরুন। প্যারোট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি প্রত্যেকের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাইকে একটু করে আলো দেখানোর জন্য। এটা তো খুবই সামান্য। सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर, सारे फैंस के पास मेरा रिक्वेस्ट है, और थोड़ा सा सहायता का हाथ बढ़ाइए। और हर घर घर में ऐसे दिए जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए थोड़ा सा सहायता कीजिए। और बहुत करीब से ये मतलब समझ रहा है कि दीपंकर इतना दूर से आए हैं बहुत ही आशाएं लेके, इनका सामने जाके वीडियो शूट करने का मौका दे दूँ इसको। हमें चेष्टा करूँ। अच्छा, अपने यार कादबेन ना, हमें এটা আপনি ধরুন। যে মেইন জীবিকাটা মাছ কাঙড়া, মাছ কাঙড়ার উপরে সংসারটা চলে, জমি জায়গা কিছু নেই। ফরেস্টার ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়েছে। মাসিমা, এটা আপনি গ্রহণ করুন। লাগে না, মাথায় না লাগে। হাত দিবি।
আপনি এটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নেন, নাহলে মাসি মনে ভরসা রাখুন, কান্না করবেন। ভগবানের কাছে কামনা করি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। Hi, this is Dabu Malik here. I'm really proud of Dipankar for taking care and finding ways and means to protect animals and birds, doing whatever it is possible. From my side, all the good luck. Thank you so much. Proud of you, Dipankar. Keep it up. Hi, this is Zulfi Syed. I want to thank Mr. Dipankar for doing such a fantastic job. Hi guys, this is Shahbar Ali and I'm really thankful to Dipankar. He's doing a great job. I am really proud of him, seriously. And Dipankar, I wish you all the best and keep doing good work. So keep doing great job, brother. Love you and look forward to see you soon. Take care. In that sense, if Dipankar is stepping in and he's helping all these people, and I'm told at his own cost, that's a huge work being done and we really should be eternally grateful to him. And I wish there are more people like Dipankar who would really step out and help these people who give so much of joy to. This is Deepshi, parrot Dipankar. We love you. So keep doing what you're doing and you got it, bro. You got it. Chalo. बस एक नाश्ते करो। बस इस परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 भाई 1 बहन है। तीनों ही फिजिकली चैलेंज्ड है। इनका पिताजी है, उनका हार्ट में छेद है। ठीक है, सबाई खुशी तेल तो तुम्हारा आशी तेल। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा करके देखिए, एक अलग सा फील होता है। आप जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दीपंकर बार बार क्या फीलिंग के बारे में बोल रहा है। तो ठीक है, एक बार करके देखिए तो आपको भी समझ आएगा। और आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आप फ़ोन करके कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।